हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर, देखिए यहाँ पर लाल बटन बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, TCS के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। तो आज हम IT सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और इनके जून यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं 2020 के फाइनेंशियल ईयर, और उनके रिजल्ट्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के भी किस प्रकार के रहे, प्लस कंपनी की तरफ से एक बायबैक के बारे में भी न्यूज़ है जो मैं पढ़ देता हूँ। लंबा आर्टिकल है तो मैं कुछ सारांश ही आपको बताऊँगा। इन्फोसिस ऑन फ्राइडे अल्टर्ड इट्स कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी टू गिव बैक 85% ऑफ इट्स कैश फ्री कैश फ्लो टू शेयर होल्डर्स इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020। अर्लियर द कंपनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग अप टू 70% ऑफ इट्स कैश फ्लो टू द शेयर होल्डर्स। अभी तक कंपनी के पास जो उसका सरप्लस कैश होता था, जो उनके पास पैसों का भंडार होता था, नेट प्रॉफिट होता था टैक्स वैक्स सब कुछ लेने देने के बाद, तो उसका 70% वो बायबैक के माध्यम से अपने शेयर धारकों को देती थी, शेयर होल्डर्स को। अब जो है 70% से बढ़ा के वो 85% अपना जो कैश फ्लो है उसको निवेशकों में बांटेगी। किस प्रकार से? बायबैक के माध्यम से। बायबैक क्या है, अगर मैं एक लाइन में बताऊं जिन लोगों को नहीं पता हो, बायबैक ये है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस पे जो CMP है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ये कंपनी ऑफर करती है अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिनके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं वो उनसे लेगी जो CMP है उससे बढ़ाकर। मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर चल रहा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो 10 रुपये से ऊपर वो कोई भी रेट तय करेगी और उस प्रकार से अपने निवेशकों को ऑफर करेगी कि हम आपके शेयर्स, आप हमें अपने शेयर्स दे दीजिए इतने, हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं बढ़ा के। तो वो हो गया बायबैक के माध्यम से। तो उनका जो पैसा है, कंपनी क्या करती है, इसको रीपर्चेस करती है शेयर्स, अगर हम कहें। इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि एक तो उनकी स्टेक होल्डिंग बढ़ती है, दूसरा उनके अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा होता है जिससे स्टॉक प्राइस भी अच्छा स्ट्रांग होता है, बढ़ता है। इस तरीके से कई सारे लाभ हैं। अच्छा, निवेशकों को क्या प्रॉफिट होता है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से? हमें लगता है कि हमारा शेयर प्राइस डबल क्यों नहीं हो जा रहा है? नहीं, देखिए कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे ये कंपनियां होंगी, ज़बरदस्त कमाई है इनकी, आपको पता ही, अभी मैं दिखाऊंगा इनका नेट प्रॉफिट कितना होता है क्वार्टरली, प्लस ये डिविडेंड के माध्यम से साल में 2-3 दफ़ा जो भी देती हैं पर शेयर के हिसाब से, तो जितने शेयर्स हैं आपको उस हिसाब से जो भी पर शेयर डिसाइड करते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको टैक्स फ्री आता है। दूसरा, बोनस भी देती है, हर साल तो नहीं, जब भी इनको लगता है वो देती है, बायबैक भी करती है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपको जो है अपनी जो कमाई है अपने निवेशकों को शेयर करती है। तो कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारा शेयर प्राइस डबल या ट्रिपल नहीं हो रहा। अगर धीरे धीरे शेयर प्राइस बढ़ भी रहा है, उसके बाद आपको बायबैक के माध्यम से आपको अच्छी अमाउंट मिल जा रही है या फिर आपको डिविडेंड के माध्यम से मिल जा रही है, तो इस प्रकार से कंपनी को कैलकुलेशन करके स्टॉक लेना चाहिए अच्छी कंपनी के। तो इन्फोसिस के बारे में चलिए हम कुछ फंडामेंटली देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ पे अगर हम वर्तमान स्थिति देखते हैं तो जो 52-week लो था 599 था, हाई था 773, हाई से अभी काफ़ी नीचे है क्योंकि 726 जो है, मतलब कल, आज तो शनिवार है, मार्केट बंद है, 726 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहा था 12 जुलाई 2019 पे। मार्केट कैप है इसका 3,12,142 करोड़ की, ज़बरदस्त है। फेस वैल्यू 5 की है और एक साल का जो रिटर्न दिखा रहा है 10% के आसपास का रिटर्न है और 6 मंथ में 6.5% के आसपास का रिटर्न है। पी रेशियो इसका 20 है, अर्निंग पर शेयर 35 है और प्राइस टू बुक है 4.81, डिलीवरी 50% के आसपास है और डिविडेंड देखिए पे करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लिस्ट है डिविडेंड की, तो हम बता दें कि डिविडेंड कैसे पे करती है। देखिए 15 में दो बारी पे किया इन्होंने, 16 में 2 बार पे किया, 17 में 2 बार, 2018 में 3 दफ़ा इन्होंने पे किया 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यहाँ पे 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और अभी 19 में इन्होंने 2 दफ़ा दिया हुआ है स्पेशल 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और 13 जून 2019 को फाइनल डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 10.50 रुपये। तो इस प्रकार से अच्छा डिविडेंड भी आपको मिलता है। और हाँ, हम यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर
जून 18 से जून 19 के हम कंपेयर करें तो नेट सेल्स में जहां जून 18 में थी 19,128 करोड़ की, वहीं इनका रेवेन्यू जून 19 में हो गया 21,803 करोड़, यानी कि 13% के आसपास की अपसाइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 9.55% की अपसाइड है। और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे ज़बरदस्त, जहाँ जून 18 में थी 3612 करोड़ की, वहीं हो गए जून 19 में 3798 करोड़ की, जो कि 5.75% के आसपास की अपसाइड। लेकिन मार्जिन में यहाँ पे 0.96% की थोड़ी सी डाउनसाइड है। वहीं अगर हम देखते हैं मार्च 19 से जून 19 पे, यानी कि क्वार्टर वन में, तो नेट सेल्स में 1.23% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 0.06% की अपसाइड है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 6.77% की डाउनसाइड है। और मार्जिन में भी यहाँ पे 0.28% की डाउनसाइड है। तो मार्जिन नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली में थोड़ा सा झटका है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर रिटर्न देखते हैं हम 10 सालों के, तो 10 सालों में अभी रिटर्न अब तक जो दे चुकी है ये कंपनी 236%, 5 सालों में 74% के आसपास, 4 सालों में 55%, 3 सालों में 23%, 2 सालों में 49% और 1 साल में 12% के आसपास, बाकी हम देख ही चुके हैं 6 मंथ में। तो रिटर्न बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, लेकिन ये कंपनी क्या करती है, 3-4 माध्यम से आपको पैसे देती है, जैसे डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, बायबैक हो गया, स्प्लिट हो जाती है तो भी आपके स्टॉक्स बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। हाँ, प्रमोटर्स के पास अभी जो होल्डिंग इंक्रीज की हुई है 0.02% की मार्च 19 में, तो इनके पास टोटल होल्डिंग है 12.84% के आसपास। और म्यूचुअल फंड्स की 38 स्कीम्स हैं, फॉरेनर्स ने तो भर रखा है, FIIs ने तो भर रखा है, 1175 FIIs हैं, और इंडिविजुअल हम जैसे खुदरा ग्राहक हैं करीब 9.5% के आसपास। फ्रेंड्स, एक शानदार कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी नीचे के लेवल पे है, हो सकता है किसी कारणवश और गिरावट हो तो आप लेते जाएं। भविष्य में जब भी इनकी अनाउंसमेंट होगी बायबैक के लिए, तो उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा होगा, डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो एक ज़बरदस्त कंपनी के रिजल्ट्स मैंने दिखाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।